और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। अब तुम लोगों को पता होगा, कल की वीडियो में मैंने एक बात बोली थी तुम लोग से कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से यूट्यूबर्स गिली सूट पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो उसके दो रीजन मैंने बताए थे, असल में एक बताया था और एक आज बताने वाला था। तो एक रीजन जो मैंने बताया था वो ये था कि जब यूट्यूबर्स गिली सूट पहन के गेम प्ले बनाते हैं तो थंबनेल जो होते हैं वो बहुत खराब बनते हैं, तो बिल्कुल देखने में अच्छे नहीं होते, प्रोफेशनल नहीं लगते। तो एक रीजन ये हो गया। और दूसरा रीजन एक सुपरस्टिशन से जुड़ा हुआ था, यानी कि वहम एक तरह का। तो मेरा एक वहम है गिली सूट को लेके, ऐसा होता नहीं है बट ऐसा मेरा मानना है कि जब मैं गिली सूट पहनता हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है, और वो तुमको इस मैच के एंड में देखने को मिलेगा। भाई बस रेडी हो जाओ, मजा आएगा इस गेम प्ले में। लेकिन सबसे पहले इनको ठोकते हैं। भाई मेरी आंखों के सामने इसने मेरी किल चुराई शायद। वेल जो भी हो, अब बारी थी इससे बदला लेने की। तो हम घुस गए अंदर। अब देखो, एक मैंने नॉक करा था तो ये रिवाइव दे रहा था, और भाई क्या ही मजा आ गया यार, दोनों को मार के। और जो भर के लूट इन्होंने दिया है भाई, चुम्मा। वेल उसके बाद हम लोग सोचे थे यहाँ कोई नहीं बच रहा होगा, लेकिन नहीं 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 नहीं, थामा थामा थामा, बाकी बंदे यहीं पर ही हैं, बस तुम देखते जाओ। सबसे पहले हुआ क्या, मेरे को फुटस्टेप आया। अब जैसे ही फुटस्टेप आया मैं अलर्ट हो गया और बस फिर रेडी हो गया। अब देखो, इन दोनों को ठोक दिया था, लेकिन ये भाई साहब मेरी उंगली कर रहे थे तो मैंने इनकी उंगली तोड़ दी। मतलब कुल मिला के इनको नॉक कर दिया। यार तुम लोग पता नहीं क्या 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 समझते हो यार, वेल छोड़ो जान दो। अब मेरे को एक बात पता थी कि ये अगर सैटेलाइट पे चढ़ा हुआ है तो उसका साथी भी वहां होगा, शायद इसको रिवाइव दे रहा हो, तभी किसी ने पीक दी। बट कमाल की बात ये, जिसने पीक दी यार वो तो नॉक वाला ही बंदा था, तो इसका बंदा कहां है हमको नहीं पता, पता चलेगा। हुआ ये कि हमने इसको बहुत ढूंढा इसके बंदे को, हमको कहीं नहीं मिला। बाद में हमको मिला, लेकिन उसको मेरे टीममेट नहीं ठोक दिया, तो मतलब तुम समझ सकते हो कि वो हमको नहीं मिला। तो इस बॉट को मारने के बाद मिलिट्री खाली नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो एक बंदा बच रहा है जिसको मेरा टीममेट ठोक देगा। तो यहाँ पर मैंने करा क्या, मैंने गाड़ी उठाई, मेरा टीममेट उतर उस बंदे को मारेगा, जो सीन मैं पूरी तरीके से कट कर दूंगा, क्योंकि अपने टीममेट मुझे हीरो नहीं बनाना है। टीममेट है भी कौन, इसको भी वो अपने आप ही कुछ ना कुछ करके हीरो बनी जाता है। वेल उसके बाद हम यहाँ पर आए, और फिर से एक और टीम आई हमारा ब्रिज पर स्वागत करने के लिए। और तुमको तो पता ही है, गेम प्ले आगे देखोगे तुमको पता होगा, स्पॉइलर देने की जरूरत ही नहीं है, तुमको पता है स्वागत हम इनका करने वाले हैं, ये तो बस हमारी किल्स बढ़ाएंगे, तो बस तुम देखते जाओ। क्या ही जीरो आईक्यू लगा के इनको हम ठोकेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैंने एक स्मोक करा, ये स्मोक था डिस्टेंस कम करने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो स्मोक थे। तो अब जो एक स्मोक बच रहा है मेरे को ज्यादा ज्यादा दूर फेंकना था, ताकि वहां पर हम घुस सकें, उनको मार सकें। यहां पर स्कूबी को मैंने कॉल नहीं दी थी, बट ये लौंडा समझदार है, ये समझ गया, ये फौरन गाड़ी लेके आया, ये गाड़ी लेके आया। मैंने से कहा तू आगे जाओ, स्कूबी आगे गया, उन्होंने स्कूबी को फायर करा। अब मैं उनको ये दिखाना चाह रहा था कि हम दोनों उधर ही हैं, बट इधर मैंने हग दिया। अब इसको भी नहीं बोला वो एक गोली का है, लेकिन वो कवर में जा चुका था, तो उसका टीममेट बाहर निकला। अब ये स्कूबी को मारने में बिजी था, मैंने उसको नॉक कर दिया। अब एक एचपी वाला बच रहा था जिसको अभी मैंने खत्म कर दिया। तो यहाँ पर पुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, मतलब पुल नहीं खत्म हुआ था, पुल पे जो कैम्प था वो खत्म हो गया था। तो अब तुमको पता है यहाँ रुकेंगे तो है नहीं, तो हमने गाड़ी उठाई, और तुम जानते हो हम कहाँ जा रहे हैं, तुम जानते हो, तो कमेंट में फटाफट कमेंट करके बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब लाइक ये भी कर लेना यार, मैं भूल जाता यार, मतलब कर लो अगर नहीं कर रखा तो। लेकिन सबसे पहले रास्ते में कुछ चलते फिरते नाश्ता हो जाए,
तो यहाँ पर मेरे को एक बॉट दिखा जिसको मैंने ठोक दिया। उसके बाद हमने गाड़ी चेंज करी क्योंकि हमारी पहली वाली गाड़ी में फ्यूल कम हो रहा था और हम निकले यात्रा पे बंदों को ढूंढने के लिए। अब हमको पता था कि अगर बॉट यहाँ घूम रहे हैं तो आसपास बंदे होंगे, तो इसका मतलब अपार्टमेंट में हमको बंदे मिलेंगे। लेकिन बट परंतु हम यहाँ पर गलत थे, बंदे यहाँ थे ही नहीं। लेकिन हाँ, आसपास बंदे थे, सामने स्मोक दिख रहा है ना, वहां थे। अब हमारी गाड़ी ने यहाँ जो टांग उठा के मुदा है ना, है छींचा लेदर। कोई अच्छे बंदे होते तो हमको उधर ही धोक देते, मतलब अच्छे ये भी थे बट ये अभी भी लड़े थे तो हेल्थ तक आने में बिजी थे। पहले एक बंदा भागा, उसने मेरे को देख लिया, वो पीछे पलटा और मैंने कायदे से आगा। भाई इसको भी नहीं, यहाँ पर मेरे को बचा तो लिया, लेकिन जिस काम को करने में 10 गोली लगनी थी वहां पर मैंने 40-50 गोली मारी उस बंदे को नॉक करने के लिए। वेल लकली इसको भी मेरे साथ था तो मैं बच गया। अब हम यहाँ पर एक फ्लेयर का पीछा कर रहे थे, लेकिन एकदम से फ्लेयर ही गायब हो गई यार, आसमानी फ्लेयर गायब हो गई। मैंने कहा यार कोई प्लेन नहीं आया, ड्रॉप नहीं गिरा, फ्लेयर गई कहाँ? तो मैंने स्कूबी को नीचे उतारा कि देख, स्कूबी ने बोला उसे भी फ्लेयर नहीं दिख रही है। तो मैंने कहा चल यही प्लेन जा रहा है, इसी को फॉलो करते हैं, पता चल ही जाएगा। अब देखो कहीं फ्लेयर नहीं है लेकिन फ्लेयर ड्रॉप गिर रहा है आसमान से। भाई पबजी के नशे, सॉरी पबजी तो है ही नहीं, BGMI के नशे, देसी नशे, स्वदेशी नशे। वेल क्या ही कर सकते हैं। अब देखो हम लोग जा रहे थे इस फ्लेयर ड्रॉप के लिए, क्योंकि भैया इस फ्लेयर ड्रॉप पे हमको मिलनी थी AWWM, और तुमको पता है कि मैं AWWM का कितना बड़ा भक्त हूँ, तो वो गन तो मैं उठाऊंगा। उसके लिए भले मेरे को अपनी जान रिस्क पे डालनी पड़े। तो देखो हम आए याले कंपाउंड पे, इस कंपाउंड से मेरी फटती है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर बहुत घास है, बहुत झाड़ी, कौन कहाँ छुपा है पता ही नहीं चलता। लेकिन ये बंदा हमको स्पॉट हो गया। अब मेरे को पता था वो दीवार से चिपक के लेटा है, तो मैंने स्टाइल से पीक करा और उसे नॉक कर दिया। उसको तो मौका भी नहीं मिला, सच बताऊं तो उसने एक आध गोली मेरे को मारी, लेकिन फर्क किसको पड़ता है। वेल यहाँ पर मैं इसको फिनिश करने जा रहा था लेकिन तभी ड्रॉप आ गया, लेकिन फिर भी मैंने इसको फिनिश करा। ड्रॉप लूटने जा रहा था कि तभी इसका टीममेट दिखा, जिसको भी मैंने आराम से स्टाइल दे के पीक से खत्म कर दिया। और उसके बाद मेरी किस्मत खराब थी, यहाँ पर AWMI नहीं। तो हम तुमको पता है कहाँ जाने वाले हैं, आप फटाफट कमेंट में करके बताओ, लिख के बताओ कि हम कहाँ जाने वाले हैं। मतलब तुम इतने दिन से गेम पे देख रहे हो, इतना तो तुमको पता ही चल गया होगा ना कि हम कहाँ जाएंगे। यार मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा चलो वापस करेक्टर में। तो देखो उसके बाद हुआ ये कि हम लोग आ गए थे यहाँ अपार्टमेंट पे, और भाई इस बार हमारी किस्मत खराब नहीं थी क्योंकि यहाँ पर बंदे थे, एक टीम नहीं दो टीम्स थी, और उन्होंने हमारे पर फायर करा। तो आपको गुस्सा चढ़ा, अब गुस्सा चढ़ा तो हम इनको मारेंगे और हमारे किल्स बढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमको अभी ये नहीं पता था कि वहाँ पर दो टीम्स हैं, हम तो सोचे थे कि एक ही टीम है। लेकिन तुमको पता है किल फीड नाम की एक चीज़ होती है जिससे हमको पता चल जाएगा। अब देखो एक नेट फटा जिससे कोई नहीं मारा, इसको मैंने फायर करा जिससे कोई नहीं मारा। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा मैं रश करूँगा। अब ये खिड़की मेरे को पता नहीं क्यों बाहर नहीं जाने दे रही थी, तो मैं कूद दिया दूसरी खिड़की से। अब तभी एक नेट फटा, एक बंदा नॉक हुआ, इसको भी ने बोला वहां कोई नॉक हुआ है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि वहां पर दो टीम्स हैं। अब इससे पहले कि वो आपस में लड़ भिड़ के एक दूसरे को मार दे, मेरे को जल्द से जल्द अंदर जाना पड़ेगा। अब देखो मैं फौरन बॉम्ब के अंदर से घुस गया घर में, और पहले नॉक को मारा फिर दूसरे वाले को मारा ताकि किल दोनों मिले। अब मैं बॉम्ब के ऊपर से चल के आया था ये सोच के कि ऊपर एक और टीम होगी, लेकिन नहीं, यहाँ कोई टीम नहीं थी। इसको भी ने बोला भाई सब मर गए, तब मैं थोड़ा सा ढीला हुआ, नहीं तो मैं एकदम टीपी भी लेके एकदम रेडी था। वेल यहाँ पर इसको भी ने एक और बंदे को स्पॉट करा था और उसने उसको मार दिया। वेल मेरी किस्मत यहाँ पर अच्छी थी क्योंकि मेरे को दूर से एक बकी आती हुई दिख गई, तो मैंने यहाँ पर स्कूबी को मार्क लगा के बता दिया कि वहाँ पर गाड़ी है। अब मैं नीचे कूद रहा था बट मेरा फायर बटन दब रहा था बार बार। अब देखो मेरे को एक बात पता थी कि वो बगी यहाँ पर एक ही पर्पज से आई है, सामने एक डब्बा गिरा है एयर ड्रॉप। अब एयर ड्रॉप में होती है AWWM। अब एक तो तुम साले को मेरी AWWM चुराओगे, ऊपर से मेरे सामने से भाग भी जाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं पैदल भागा, इसको भी गाड़ी से आया कि हमको इसको ठोकना ही ठोकना है। वेल वो एक नहीं, वहाँ पर दो बंदे थे, तो मतलब हमारी किल्स भी काफ़ी अच्छे से बढ़ने वाली थी, और तुम्हारा भाई 18 से 20 किल पे जाने वाला था। तो यहाँ पर मैंने एक को नॉक कर दिया, तो हमारे कुमार भाई यहाँ पर नॉक पड़े थे। अब उनके टीममेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि उनके ऊपर दो प्लेयर रश कर रहे थे, तो यहाँ पर उनको अपने टीममेट को बचाना भी था। तो मुझे पता था वो पेड़ के पीछे, तो मैं एक नेट डालने लगा, लेकिन तभी वो पता नहीं क्यों इधर भाग गए, तो मैंने साउंड सुन के इधर नेट फेंक दिया। अब वो नेट से भी बच गया, और स्कूबी को मैंने साफ बोल दिया था कि भाई मेरी किल है फटकना नहीं इसके पास, एक किल ऑलरेडी चुरा चुका है मेरी अभी भी। वेल जो भी हो, यहाँ पर देखो AWM मिली और मैंने गिली सूट पहन लिया, बस यही तुमको मैं लाना चाहता था। अब मेरा सुपरस्टिशन ये है कि यार पता नहीं क्यों मैं जब भी गिली सूट पहनता हूँ
मैं बहुत ही गंदे तरीके से मरता हूँ। सबसे पहले देखो स्कूल से फायर आया तो तुम्हारे भाई ने यहाँ पर उसको एक फटका देकर नॉक कर दिया, तो एक इजी किल तुम्हारे भाई को मिल गई। अब यहाँ पर मैंने सिंपल सा गणित लगाया जो कि एक नॉर्मल सा नर्सरी का बच्चा भी लगा लेगा कि अगर एक बंदा वहाँ है तो उसका साथी भी वहीं होगा। तो यहाँ पर तुमको पता है कि मेरे हाथ में AWWM और AWWM मिलने के बाद फार ऑफ का जो कॉन्फिडेंस रहता है वो 10वें आसमान पर रहता है, 7वें आसमान पर। तो मैं यहाँ पर खुले से जा रहा था, एकदम खुले से जा रहा था कि भाई तू पीक दे मैं तेरे को धरेगा ही धरेगा। लेकिन स्कूबी यहाँ पर पता नहीं क्यों अभी वो रुका ही नहीं मेरे को लेने के लिए, वो गाड़ी लेके सीधे स्कूल में भाग गया। अब यहाँ मैं वेपन पीछे रख के भागने लगा क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा था कि स्कूबी इसको मार दे, क्योंकि भैया मैं चाहता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा किल कर लूँ। लेकिन स्कूबी तो पहुँच चुका था अंदर, मैं बाहर रह गया था और उसके टीममेट के दिमाग में कुछ प्लान था। उसने ली महीन सी पीक और मेरे को धर लिया, धरा तो धरा, तड़पा तड़पा के फिनिश करा एक एक गोली मार के। और जैसे ही मेरे को लगा कि मैं बच गया, एकदम से कवर के अंदर से ही मेरी सारी हेल्थ चली गई और तुम्हारा भाई मोक्ष को प्राप्त कर गया, या जो तुमको बोलना बोल लो। वेल, अब स्कूबी आया बदलापुर मोड में तो इसने इसको स्पॉट कर लिया। ये भाई साहब घास में विराजमान थे तो इनको एक हेडशॉट पड़ा, ये नॉक हो गए। अब स्कूबी इसको चिढ़ाने में लगा था, इमोट इमोट मार रहा था कि तभी सामने बंदे आ गए। अब बंदे आ गए तो इसकी फट गई, लेकिन इसके हाथ में थी फॉर ऑफ की AWWM। तो इसने कर दिया एक को नॉक और उसके बाद इसने करा रश। और कसम से बता रहा हूँ इतिहास में तुमने ऐसा रश देखा नहीं होगा, बस देखते जाओ, तुम इस रश को मिस नहीं कर सकते। यहाँ पर तुमको सीखने को मिलेगा कि रश कैसे करता है एक प्रो प्लेयर, एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे वो पुश करता है एक बंदे पर, उसे खा जाता है और चिकन डिनर हासिल करता है। बस तुम ये देखते जाओ, बहुत अच्छी सीख मिलेगी तुमको। प्योर हागा है इसने, समझ रहे हो ना। और इससे हमको सीख यही मिलती है कि भाई आखिरी प्लेयर बचा हो तो फ्लेक्स नहीं करना चाहिए, वरना कल तुम मेरी तरह मरोगे और आज स्कूबी की तरह।